हे गाइस नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल सोनू क्रिप्टो। और सब यूजर को कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि अवेवी कॉइन OKX एक्सचेंज के अंदर लिस्टिंग होने जा रहा है। कब लिस्ट होगा ये पूरी डिटेल आपके साथ शेयर करने वाला हूं, और क्लेमिंग डिटेल भी ये जल्द से जल्द देने वाले हैं, तो वो भी आपके साथ शेयर करने वाला हूं। और इससे भी इंपॉर्टेंट, इसकी टोटल सप्लाई क्या था, सबका क्वेश्चन वही आ रहा था, तो इन्होंने वो भी प्रोवाइड कर चुके हैं और साथ ही में कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस भी दे चुके हैं। तो आप कैसे अवेवी टोकन को ऐड कर सकते हो अपने वॉलेट के अंदर, वो भी आपको गाइड देने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। और इससे भी इंपॉर्टेंट प्राइस प्रिडिक्शन, एक अवेविट कॉइन की प्राइस कितनी होगी लिस्टिंग की, ये सबके मन में क्वेश्चन चल रहा है, तो इसका आंसर इस वीडियो में आपको मिलने वाला है, ताकि आप सबको पता चले आपको कितना ह्यूज बेनिफिट हो रहा है या बहुत लेस बेनिफिट हो रहा है, ठीक है। और इसमें गाइस मैं आपको है कि लीनिया का वेव 8 का टास्क भी बताने वाला हूं, जिसमें कैसे आपको टास्क कंप्लीट करना है, वो पूरी गाइड इस वीडियो के अंदर मिलेगी। तो गाइस सबसे पहले आपको क्या काम करना है, वीडियो को लाइक कर देना है, और आप अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे OKX के हम डॉक्स में जाके चेकआउट करने वाले हैं, तभी यहाँ पे क्या नज़र आएगा गाइस, इन्होंने क्लियरली मेंशन किया कि अवेवी टोकन को स्पॉट ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल करके देने वाले हैं। मींस क्या है कि लिस्टिंग करने वाले हैं। अभी आप पूछोगे कि लिस्टिंग कब होने वाली है, तो लिस्टिंग गाइस ये होने वाला है दिसंबर 19 को, तभी इनकी स्पॉट ट्रेडिंग भी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अभी सेकंड आता कि विड्रॉल कब कर पाओगे, इसको करके यहाँ पे दिया है, तो इन्होंने दिया दिसंबर 21 को। अभी सबसे मेन इंपॉर्टेंट अपडेट ये है कि आप सबका क्वेश्चन रहेगा कि अवेवी कॉइन को हम क्लेम कब कर पाएंगे हमारे जितने भी है माइनिंग ऐप के अंदर, तो उसके बारे में डिटेल ये है कि आज ही सुबह मॉर्निंग में शेयर करने वाले हैं, तो वो शेयर करते हैं आपके साथ, शेयर की जाएगी कि क्या स्टेप्स रहेंगे आपको क्लेम करने के लिए, ठीक है। अभी मेनली है यहाँ पे इनकी टोटल सप्लाई कितनी दी गई है, 10 बिलियन की। तो आप पूछोगे भाई ये तो सप्लाई ज़्यादा है, तो गाइस ये टोटल सप्लाई है, मार्केट में सर्कुलेटिंग सप्लाई ये नहीं है, ठीक है। सर्कुलेटिंग सप्लाई अलग है, जो आपको मैं बता रहा हूँ। और इन्होंने यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस भी प्रोवाइड किया है, जो आर्बिट्रम 1 नेटवर्क का है, ठीक है। तो ये अवेवी कॉइन जो है ये गाइस आर्बिट्रम 1 नेटवर्क के अंदर आ रहा है, इतना जान लो। अभी जो मेन अपडेट है वो आपको बता देता हूँ, अवेवी टोकोनॉमिक्स, ये अवेवी का खुद का ब्लॉग है, जहाँ पे इन्होंने पूरी कंप्लीट डिटेल दी हुई है। डिटेल क्या है कि इन्होंने वही सेम डिटेल इन्होंने शेयर किया कि 10 बिलियन की सप्लाई रहेगी, बट इनिशियल सप्लाई क्या रहेगी वो है कि इन्होंने इधर शेयर किया है गाइस, इनिशियल सप्लाई 10% की रहेगी, 10 बिलियन की 10% मतलब 1 बिलियन कॉइन की इनिशियल सप्लाई रहेगी जो मार्केट में सर्कुलेट होगी। तो ये तो गाइस शानदार है, क्योंकि सिर्फ 1 बिलियन की मार्केट में सप्लाई इनिशियल स्टेज में आ रही है, तो इनिशियल स्टेज में प्राइस अच्छी खासी हो सकती है। अभी फिलहाल मैं सिर्फ OKX एक्सचेंज ही इसको लिस्ट करने जा रहा है, और 2-3 दिन में आपको पता भी चल जाएगा कि और कौन सी 3-4 एक्सचेंज इसको लिस्ट करने जा रही है। और OKX एक्सचेंज के बारे में पता नहीं तो आपको बता देता हूँ, ये टॉप 10 एक्सचेंज के अंदर आती है, ठीक है। तो अभी हम जान लेते हैं इसकी प्राइस प्रिडिक्शन कर लेते हैं कि क्या प्राइस में ये लिस्ट हो सकता है। तो गाइज उसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल पे बता रहा हूँ, यही होगा करके मैं नहीं बता रहा हूँ कि यही प्राइस बनेगी, इस पर ही लिस्ट होगा, ये सब नहीं है दावा, एक प्राइस प्रिडिक्शन कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं है कि पैच जो टोकन था उसके प्राइस प्रिडिक्शन के हिसाब से आपको बताने जा रहा हूँ क्या प्राइस हो सकती है। यहाँ पे इनकी सर्कुलेटिंग आप सप्लाई देखोगे पैच टोकन की, तो आप देख सकते हो इनकी 1.5 बिलियन की है मार्केट में अभी फिलहाल में, और इनकी मैक्स सप्लाई है सेम गाइज अवेवी कॉइन जितनी, 10 बिलियन की इनकी मैक्स सप्लाई मतलब टोटल सप्लाई है, और मार्केट में अभी कितनी है 1.5 बिलियन की, और अवेवी कॉइन की कितनी आ रही है 1 बिलियन की, ठीक है। और अवेवी कॉइन की टोटल सप्लाई कितनी है 10 बिलियन की, तो सेम है, बट इसका वर्क अलग है पैट टोकन का, ठीक है, यूज़ केस अलग है, और अवेवी कॉइन का या फिर अवेवी नेटवर्क का यूज़ केस अलग है, ठीक है, इतना बात आप समझ लो। अभी इसमें है कि इनकी मार्केट कैप कितना है वो जान लो, हम सिर्फ एग्जांपल कर रहे हैं, एजम्पशन कर रहे हैं, यही प्राइस होगी, ये श्योरिटी नहीं रहती, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मार्केट कैप इनका है 592 मिलियन का, ठीक है। तो हम इसका आधे से आधा मार्केट कैप लेके चलेंगे और हम इसका प्राइस प्रेडिक्शन निकालेंगे कितना हो सकता है। तो गाइस पैट टोकन का आपने देख चुके थे 592 मिलियन था, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, 20 करोड़ डॉलर का मार्केट कैप निकाला, ठीक है, ये एजम्पशन है, इतना हुआ तो ही ये प्राइस पे आएगा, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, इसकी टोटल सप्लाई कितनी है उसके साथ इसको डिवीजन करेंगे, ये गाइस फॉर्मूला रहता है कि आप कैसे इसका ये प्राइस प्रिडिक्शन कर सकते हो। तो गाइस आप देख सकते हो मैंने के 20 करोड़ डॉलर की मार्केट कैप रखी है, और साथ ही में 1 बिलियन टोकन को इसके साथ डिवीजन कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइस निकल के आ रही है, आप देख सकते हो 0.2, ठीक है, 0.2 डॉलर है, रुपीस नहीं है, ये डॉलर में, ठीक है। तो इतनी प्राइस आ रही है, आप बोलोगे इतनी होगी, गाइस ये कह नहीं सकते हैं कि इतनी ही होगी, कम ज़्यादा हो सकती है, बट इस हिसाब से अगर मार्केट कैप इसका है कि इतना यूज हुआ,
तो ही जाके ये प्राइस पे आएगा, ठीक है। अगर मार्केट कैप इसका हाफ रहा तो ये आएगा 0.1 पे, उससे भी हाफ रहा तो ये 0.005 पे आएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से मार्केट कैप रहती है। तो इसकी प्राइस आप समझ लो 0.005 से लेके 0.2 तक जा सकती है, उससे भी ज़्यादा जा सकती है, अकॉर्डिंग टू इसका ट्रेंड कितना चल रहा है उस हिसाब से जा सकती है, ठीक है। तो अभी आप ऐसे भी बोलोगे कि हमारे पास इतने टोकन है, कितने अनलॉक होंगे, क्या होंगे, तो वो सब डिटेल ये कल शेयर करेंगे, क्लेमिंग की पूरी तो आपके साथ तब शेयर की जाएगी, और कैसे आपको विड्रॉल लेना है यहाँ से वो भी बताएंगे, और यहाँ से बिटकॉइन जो है हमारे वो भी कैसे विड्रॉल ले सकते हैं वो भी ये गाइड दे देंगे, तो हम आपको वीडियो बना के दे देंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। तो आप कहीं पे भी कैसे इसको ऐड कर सकते हो, सिंपल ये कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस रहता है, इसको सिंपल यहाँ से कर लेना कॉपी, और ये मैं टेलीग्राम में आपको प्रोवाइड कर दूंगा चाहिए तो, ठीक है। और सिंपल आके ये OKX Web3 में बता रहा हूँ, आप मेटामास में भी कर सकते हो, बट मेटामास के लिए आपको आर्बिट्रम 1 नेटवर्क ढूंढना पड़ेगा स्टार्टिंग, ठीक है। तो आप आके सिंपल ये वाले एरो पे इधर क्लिक कर दोगे, यहाँ पे आर्बिट्रम 1 नेटवर्क सिलेक्ट कर लेना है, और इधर आपको सिंपल वो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है वो पेस्ट कर देना है, ठीक है। और इधर आएगा आपको एड कस्टम क्रिप्टो, ठीक है, तो आप इसके ऊपर क्लिक कर देना है, और सिंपल यहाँ पे अभी कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस जो है ना वो आप पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे देखो सिंबल आ गया, इसको कंफर्म पे क्लिक कर देंगे, क्लिक करते ही ये वाला आपका ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो अभी आप स्क्रॉल डाउन करोगे नीचे आप स्क्रॉल डाउन करते यहाँ पे देखो अवे भी करके आपको नज़र आ रहा है, तो ये हमारा ऐड हो गया है इसमें, ठीक है। तो इस तरीके से ऐड करना रहता है। तो दोस्तों क्लेमिंग की डिटेल कल शेयर करेंगे, तो आपके साथ मैं भी शेयर कर दूंगा, ठीक है। आप अभी चलते हैं लीनिया के ऊपर, लीनिया में हम कैसे टास्क करने हैं, तो गाइस इसकी लिंक आपको मैं टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दूंगा, यहाँ पे आ जाना सिंपल, और यहाँ पे आपको 250 XP पॉइंट मिलने हैं, सिंपल गेटिंग स्टार्टेड है, इसके ऊपर सिंपल क्लिक कर देना है, क्लिक करके नेक्स्ट 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 पे क्लिक कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाओ, यहाँ पे कंप्लीटेड हो जाएगा। अभी कोड टास्क है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है, यहाँ पे आपको एक NFT मिंट करनी है, स्टार्ट पे क्लिक कर देना है, और ये वाली NFT मिंट करनी है, ठीक है। नेक्स्ट 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 पे क्लिक कर दो, और यहाँ पे मिंट NFT पे सिंपल टैप कर दो, इसके ऊपर टैप करने के बाद ये रिडायरेक्ट कर देगा। यहाँ पे आने के बाद शेयर ऑन ट्विटर है, इसके ऊपर आपको पहले क्लिक कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ट्विटर है इस इंटरेक्ट के साथ कनेक्ट होगा ना, वही आपका ट्विटर में इसको पोस्ट कर देना है, सिंपल पोस्ट करने के बाद बैक आ जाओ। बैक आने के बाद यहाँ पे देखो मिंट NFT पे क्लिक कर देना है, क्लिक करते यहाँ पे देखो टोटल फीस के साथ कितना लगेगा अमाउंट, सब लीनिया नेटवर्क में लगेगा, देखो $5 लग रहा है, ठीक है। तो ये हो गया मिंट NFT, हमारा टास्क कंप्लीट। और ये NFT क्या हाईलाइट करती है, अपना वॉल्यूम वगैरह कितना क्रिएट किया, ट्रांजेक्शन, वो सब। बैक आ जाना है, वेरीफाई, इसके ऊपर क्लिक करके प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। अभी चलते हैं सेकंड टास्क, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है, स्टार्ट पे क्लिक कर देना है, नेक्स्ट पे क्लिक करो, और यहाँ पे आपको डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, इसके ऊपर क्लिक कर देना है, और इस ऐप को हम गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। गूगल प्ले स्टोर पे क्लिक करो, इंस्टॉल कर दो। इंस्टॉल करने के बाद आपको यहाँ पे आ जाना है, और यहाँ पे टिक कर देना है, और एक्स पे क्लिक कर देना है, और सिंपल यहाँ पे आपको साइन इन कर लेना है, और ऑथोराइज कर लेना है अपना ट्विटर अकाउंट, ठीक है। बस इतना ही टास्क है। बैक आ जाना है, सिंपल आके वेरीफाई पे क्लिक करके प्रोसीड कर देना है। अभी जो है कि जितने भी आपको XP मिल रहे हैं वो क्लेम करते जाओ, हाफ एन आवर के बाद सब XP आपको मिलेगी, क्लेम करते जाओ, ठीक है। तो ये दोनों क्लेम होने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो एक लास्ट वाला टास्क है, वो इधर हुआ ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक एरर दिखा रहा है, ये टास्क कंप्लीट नहीं हो रहा। तो जब भी रहेगा तब आपको वीडियो दे देंगे। तो गाइस ये थी आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, टेक केयर एंड बाय।